नमस्कार साथियों, आज आपको अपने चैनल गूगल विजन में स्वागत है। जैसा कि आज हम आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे जो कि ज्योग्राफी से होंगे, और सारा का सारा क्वेश्चन आपको छोटे बड़े एग्जामों में पूछा वो क्वेश्चन है। देख लीजिएगा कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन कब पूछा है और किस टाइप से पूछा है। चलिए क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे होंगे, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश देश के बीच फैला हुआ है, यानी भारत का जो मुख्य भूमि होंगे वो कहाँ से कहाँ फैले हुए हैं, समझे। चलिए बताइए उसका आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। आशा करते हैं कि आप इसका आंसर सही दिए होंगे। तो इसका आंसर ए होगा। क्या होगा? इसका आंसर ए होंगे। इसका आंसर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, यानी जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका एक अन्य नाम भी है। तो मान लीजिए कि यह नॉर्थ हुआ और यह साउथ हुआ और यह ईस्ट हुआ और यह वेस्ट हुआ। ये जो पूर्वी तटीय का मैदान है इसका कोई और एक नाम से जाना जाता होगा, तो इसका नाम क्या है बताइए, कौन सा नाम से जाना जाता हो? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। कौन सा? कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। भारत क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, भारत के स्थलकृत मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है, यानी जो भारत का स्थलकृत मानचित्र है वो कौन सा संगठन बनाता है, क्वेश्चन में ये आपको पूछा है। ठीक है, तो आइए कौन सा बनाता है संगठन, ए बी सी डी, कौन सा होगा आंसर? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिसे कि सॉरी इसका ऑप्शन नंबर क्या बताएं, मैं आपको बी बताएं, जो कि जिसे क्या कहा जाता है, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना कब हुआ? 1767 में। याद रखिएगा आप इसको, भारतीय सर्वेक्षण को सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसका स्थापना 1767 में हुआ था। इसका मतलब क्या होता है, इसका भारत के सर्वेक्षण विभाग का स्थापना इतना में की गई थी। विभाग का विशेष दायित्व है कि सभी को मानचित्र दर्शाता है, उसका इसका जो भूमि है स्थलकृत का जितना है वो मानचित्र पर दर्शाता है, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह दिया, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है, यानी भारत का जो मानक समय वो किस रेखांश पर अपनाया जाता है, बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 82.5। क्या होगा? 82.5, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए क्या कर रहा है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे हैं या 4.5 या 4.5 घंटे पीछे हैं, या 4 घंटे आगे हैं या 5.5 या 5.5 घंटे पीछे हैं, बताइए। तो भारत का जो मानक समय है ना ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे हैं, यानी 5.2 घंटे आगे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। आपको अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लगभग क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हैं यहाँ पढ़ रहे होंगे आप, यहाँ एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। 82.5 पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये वाला जो ये है भारत के देशांतर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यानी इसका कोई तो इम्पोर्टेंट होता होगा, तो इसलिए क्यों महत्वपूर्ण है बताइए। ऑप्शन ए में भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है, या भारत के मानक समय का निर्धारण करता है, या इस देशांतर के पास
इलाहाबाद स्थित है, या भारत के रीति रिवाजों पर प्रभाव डालता है, किस पर? तो इसका आंसर सीधा झलक रहा आपको, आंसर नंबर इसका आंसर होगा बी होगा, भारत या भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। अभी पिछले क्वेश्चन में आप देखे होंगे। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी, मतलब सूर्य का जो ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी, सूर्य का ऊर्ध्वाधर किरणें श्रीनगर को कभी नहीं मिलेगा, किसको? श्रीनगर को कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी कर्क रेखा और यह मकर रेखा मान लो, इसके बीच सूर्य का ऊर्ध्वाधर किरणें पड़ता है, और ये तीनों शहर इसका बीच में आता है, मुंबई हो गया या चेन्नई हो गया और त्रिवंतपुरम हो गया, और ये जो श्रीनगर आप देख रहे हैं ये दोनों रेखाओं के बीच नहीं आता, इसीलिए इसे श्रीनगर को कभी नहीं मिलेगा, यानी कभी नहीं मिलेगा। कौन सा किरण? सूर्य का ऊर्ध्वाधर किरण श्रीनगर को कभी प्राप्त नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर है, वह मतलब वह कौन, निम्नलिखित में आपको शहर दिया गया है ये चारों में से वो कौन से जो कि सबसे ज्यादा अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, सबसे ज्यादा उत्तर में स्थित है, यानी मान लो कि ये नॉर्थ हुआ ये साउथ हुआ, अब वह इनमें से चारों में से कौन सा शहर है जो कि सबसे ज्यादा उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, क्या है सबसे ज्यादा उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? देखिए आपको ये हम सारा आंसर ही आपको दे दिए हैं, त्रिवंतपुरम इतना नॉर्थ में है और इलाहाबाद इतना में है और इसका इतना, इसका इतना, यहाँ देख रहे होंगे 25-37 नॉर्थ, सबसे ज्यादा किसका है? पटना का, यानी इसका आंसर नंबर, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? इसका आंसर ए, निम्नलिखित के अनुसार ये जो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, देखिए आप क्वेश्चन 9 क्या कह रहा, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है, यानी भारत का जो दक्षिण छोर है उसका नाम क्या है, मतलब मान लो ये हुआ आपको नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो यानी जो भारत का दक्षिणतम छोर है जो कि सबसे यहाँ पे जो सबसे दक्षिणतम, यानी जो भारत का सबसे दक्षिण वाला छोर है उसको उसे उसका मतलब नाम क्या है, उस छोर का नाम क्या है आपको ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो उस छोर का नाम आप सीधी सीधी बताइए, आप ए बी सी डी कौन सा होगा इसका, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, निकोबार द्वीप द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, यानी इंदिरा पॉइंट इसका आंसर आपको डायरेक्ट ये भी दे दिया जाएगा इंदिरा पॉइंट, तो आप इसका भी मार सकते हैं, लेकिन ये आपको दे दिया गया जो इंदिरा पॉइंट पूछेगा अगले क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो वो निकोबार द्वीप समूह द्वीप में स्थित है, कहाँ? निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है, अभी आपको बताए थे ना कि भारत के दक्षिणतम छोर को, अभी पिछले क्वेश्चन में यही पूछा, फिर इससे रिपीट हो गया जो कि SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2014 में देखिए ये सर 14 में ये सर क्वेश्चन ये वाला खास यही ऑप्शन के साथ पूछा हुआ था क्वेश्चन, देखिए भारत के दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है, ए बी सी डी कौन सा होगा इसका आंसर, इसका आंसर सी जो कि इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, कहाँ? निकोबार द्वीप समूह में, याद रखिएगा NDS में निकोबार द्वीप समूह, ठीक है इंदिरा पॉइंट। चलिए आप क्वेश्चन आगे आपके लिए एक तो क्वेश्चन है जो कि इसका आंसर आप खुद हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वो तो 9 था ना, ये अभी आपको क्वेश्चन है इसके एक क्वेश्चन और, ये तो 10 आपको बताए दिए थे। चलिए अब आपको लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप खुद हमें कमेंट बॉक्स में जाके दीजिएगा, क्या है गिव मी आंसर इन कमेंट में, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ए बी सी डी कौन सा होगा बताइएगा कमेंट में, गूगल विजन के कमेंट में जाके आप कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, के बाद देखते हैं कि आपका ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा जानकारी है या और हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा नीचे करें, इसीलिए देखने के लिए हम आपको एक एक दो क्वेश्चन आपको डेली ट्राई में देंगे, डेली क्वेश्चन करेंगे आपको, ताकि उससे आपको आपका नॉलेज का भी